कौन है साकार हरि बाबा, जिन्हें लोग स्वयंभू भोले बाबा भी कहते हैं। सूट बूट में रहते हैं ये बाबा, मीडिया से बनाए रखते हैं दूरी। न पत्नी न सेविका, न जाने किस महिला के साथ मंच पर आते हैं नजर। भगदड़ के बाद से है फरार। इस वक्त हर किसी के दिमाग में सवालों की एक ऐसी गुत्थी बनी हुई है जिसके जवाब ढूंढने में हर कोई असफल सा नजर आ रहा है। वहीं हजारों सवालों का एक ही जवाब है, कौन है ये भोले बाबा, जो ये दावा कर रहा है कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। हमारा देश बाबा, सत्संग, प्रवचन, इन सभी में अपनी रुचि दिखाने में कभी पीछे नहीं हटा। ऐसा ही एक नजारा हमें तब देखने को मिला जब हाथरस भगदड़ में हजारों की संख्या में लोगों की जान पर बनाई और कईयों ने अपने परिवार को खो दिया। सैकड़ों लोगों की अकाल मौतें होने के बाद सोशल मीडिया पर हाथरस भगदड़ की चर्चा होने लगी। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो बाबा कौन है, जिसे सुनने के लिए प्रचंड गर्मी में भी 50,000 से ज्यादा लोग आयोजन स्थल पर पहुंच गए। भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ बबीता रैकवाल। आज बात उस बाबा की जिसकी वजह से हजारों जिंदगियां दांव पर लग गई, जो खुद पाखंड का चोला पहने हैं और सबको मानव सेवा का संदेश दे रहे हैं। हाथरस में हुई भगदड़ और ये हादसा जमकर सुर्खियों में है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये भोले बाबा, जिनका असली नाम सूरज पाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद सूरज पाल नाम बदलकर साकार हरि बन गए। अनुयायी उन्हें भोले बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनके अनुयायी फैले हुए हैं। सूरज पाल उर्फ बाबा साकार हरि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में खासा लोकप्रिय हैं। हालांकि इनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कासगंज जिले के पटियाले स्थित बहादुर नगर के रहने वाले साकार विश्वहरि भोले बाबा ने 17 साल पहले पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू किया था। बता दें कि वो अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं। कहते हैं कि मंच पर अपनी किसी दूर की मामी के साथ नजर आते हैं और उनके साथ ही सत्संग में मंच पर दिखाई देते हैं। ज्यादातर सत्संग में ये कहते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सत्संग में आने से रोग मिट जाते हैं, मन शुद्ध होता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, कोई दान नहीं, कोई पाखंड नहीं। दावा करते हैं यही सर्व संभाव है, यही ब्रह्म लोक है और यही स्वर्ग लोक है। ये बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, बल्कि वो महंगे गॉगल्स और सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करते हैं, तो वहीं महिलाएं बाबा को विष्णु का रूप मानती हैं। हालांकि सूरज पाल उर्फ बाबा साकार हरि पर यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी और उस वक्त बाबा ने ये दावा कर दिया था कि मैं बच्ची को जिंदा कर दूंगा, तब बाबा पर केस हुआ था। इतना ही नहीं, बाबा का पुराना सियासी कनेक्शन भी रहा है। इस बीच कई सारी तस्वीरें सामने आई है जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल हुए और उनकी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। बता दें कि 2 जुलाई को जब सूरज पाल उर्फ बाबा साकार हरि हजारों लोगों के बीच पहुंचा तो कई लोग बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में लोग उसके करीब जाने की कोशिश करने लगे, तभी वहां भगदड़ मच गई। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि सत्संग का पंडाल खेतों में लगा हुआ था। सत्संग का समापन होने के बाद बाबा की कार वहां से जाने लगी, उनके पैर छूने के लिए लोग दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हाथरस में हुई इस भगदड़ पर आपका क्या कहना है और इस तरह के सत्संगी बाबा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।